Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel and finally I'm sharing my anti hair fall hair care routine. मैंने recently Instagram पर share किया था अपनी comb की picture कि देखो finally touch wood नजर ना लगे माशाल्लाह जो भी बोलते हैं hair fall मेरा काफी कम हुआ है. Literally last जो 2 months से ना मेरे आंसू आ गए थे, comb में जितने बाल थे ना उससे ज़्यादा मेरे आंसू निकल रहे थे because extreme hair fall मुझे इस बार हुआ है. Monsoon में देखो सबको होता है, जो ये जून जुलाई वाला टाइम होता है मानसून में हेयर फॉल होना इज वेरी नॉर्मल, लेकिन इतना ज़्यादा हेयर फॉल होना मतलब इस टाइम तो मैंने इतना एक्सट्रीम फेस किया था ना मेरे रोने निकल गए थे. आई हैव टू फाइंड अ हेयर केयर रूटीन जो प्रॉपरली इसको टैकल करे. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई आउट करी, टेस्ट करी, DIYs भी, बाहर के प्रोडक्ट्स भी, एंड फाइनली आई कैन से अब मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया है. आई डोंट नो मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बताओ. मैंने जब अपना कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगवाया था मैंने उसी टाइम से नोटिस किया है कि मेरा हेयर फॉल एक्सट्रीम वे में स्टार्ट हुआ था और अब मेरा नेक्स्ट वीक सेकेंड डोज आने वाला है, मैं लगवाऊंगी. देखो जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बाल अभी जड़ रहे हैं, आगे जाके हम अपनी खेती या दोबारा उस पर वर्क कर लेंगे, लेकिन जान बचानी इस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वैक्सीन मत लगवाओ, प्लीज़ जाकर वैक्सीन लगवाओ. बट आई थिंक मैंने नोटिस किया है कि मेरे साथ जो हेयर फॉल हुआ है ना वो वैक्सीन के डोज के बाद ही हुआ है. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज उस टाइम मानसून भी शुरू हो गए थे. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो बताना. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया, ऑनेस्ट 100% कुछ भी बायस मैं इसमें नहीं बोलने वाली. कोर्स जो होंगे वो थोड़े बहुत एफिलिएट हो सकते हैं, वो मैं आपको पहले क्लियर आउट कर रही हूँ. एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो, बेल आइकन पे हिट कर दो, एंड नाउ लेट्स गो. स्टार्टिंग विद प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन बिकॉज एक्चुअल में गेम चेंजर यही होता है. मुझे काफ़ी सारे DMs आते हैं कि प्लीज़ दीदी हमें कोई शैम्पू कंडीशनर बता दो जिससे हमारा काम चल जाए, जिससे हेयर फॉल एंड ऑल रुक जाए. आई एम लाइक नहीं होगा उससे, आपको एक प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज शैम्पू आपके बालों को क्लेंस करता है, कंडिशनर आपके बालों को स्मूथ बनाता है, लेकिन जो एक्चुअल स्टेप होता है जो आपके स्कैल्प की ग्रोथ पर फोकस करता है, हेयर फॉल को कम करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को कम से कम रखता है, वो होता है आपका प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन. और उसमें ऐसा नहीं है कि आप भर भर के एक दिन पहले रात को ऑयल लगा लोगे, सो जाओगे और आपको लगेगा वाह मेरे बाल एकदम बढ़िया होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मॉनसून चल रहा है ना, ह्यूमिड वेदर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ऑलरेडी आपके बाल ना ऑयली ग्रीसी होते हैं, उसके ऊपर भर भर के ऑयल्स लगाने का कोई सेंस नहीं बनता. ओवरनाइट ऑयलिंग इस टाइम पर नहीं करनी है, मत किया करो और आपके रूट्स को वीक बना देगा. विंटर्स में तो मैं कभी कभी खुद भी कर लेती हूँ ओवरनाइट ऑयलिंग, लेकिन मैं भर भर के कभी नहीं लगाती फिलहाल. आई डोंट डू दैट, सो आई फॉलो बंच ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर माई प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन. मैं सब कुछ नहीं यूज़ करती, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ कब मैं क्या यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. सो सबसे पहले कभी कभी प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की. अभी ह्यूमिड वेदर है लेकिन कुछ कुछ दिन हो जाता है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर इचिनेस होती है. मानसून के टाइम पे लोगों को स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो जाता है, इचिनेस होती है, अजीब सा इचिंग सेंसेशन होती है. सो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट DIY है ना वो है एलोवेरा एंड टी ट्री एसेंशियल ऑयल. मेरी OG फैमिली को पता है मेरा फेवरेट ये हैक है. कुछ नहीं करना, अपने पाम के ऊपर खूब सारा एलोवेरा जेल लो और उसमें खाली एक या फिर दो, मैक्स दो, उससे ज़्यादा एसेंशियल ऑयल मत डाला करो. एसेंशियल ऑयल्स खराब नहीं होते, आई डोंट नो व्हाई पीपल हेट एसेंशियल ऑयल, लेकिन उसका ओवर यूज़ खराब होता है. वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है किसी प्रोडक्ट का, उसको एक्सट्रीम वे में यूज़ करना आपको हार्म दे सकता है. सो खाली एक या फिर दो ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इसमें डालो और अगर आपका एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होगा ना तो एक वाइट कलर का एकदम कंडीशनर जैसा एक पेस्ट बन जाएगा. एंड देन यूज़ इट ऑन योर स्कैल्प जहाँ जहाँ पर आपको इचिंग का इशू है, रैशेज हो रखे हैं, फिर वैसे भी स्कैल्प में आपको डैंड्रफ इश्यूज है, वहाँ पर अच्छे से मसाज करो. एलोवेरा ना फटाफट स्कैल्प में चला जाता है, आपके बालों को ग्रीसी नहीं बनाता, चिपचिप नहीं बनाता, और फिर आप उसको ओवरनाइट रख सकते हो, अगले दिन आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर सकते हो. अब बात आती है मैं कौन सी ब्रांड यूज़ करती हूँ. मैंने रिसेंटली मोहा की 2 ट्यूब्स ख़त्म कर दिया, मैंने आपको MTs में भी वो दिखाया था, काफ़ी सस्ता आता है, बाय वन गेट वन में मिल जाता है तो एकदम बढ़िया रहता है बिकॉज बालों के लिए मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव एलोवेरा जेल्स नहीं यूज़ करती. आजकल मेरे पास ये रखा है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये टोनी मोली का एलो 99% चोक सूदिंग जेल, ठीक ठाक काम कर जाता है. आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, मेक श्योर वो खाली एलोवेरा जेल हो. आजकल मार्केट में बहुत सारे मिक्स वाले भी आते हैं कि इसके अंदर ये वाला है एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट है, वो अवॉइड किया करो. आई रियली लाइक प्लम का भी एलोवेरा जेल, वो भी काफ़ी अमेजिंग है आपके बालों के लिए. ऑल्सो ये जो टी ट्री एलोवेरा का कॉन्कॉक्शन है ये तो आप स्कैल्प पर लगाओगे, लेकिन आप खाली एलोवेरा जेल अपने बालों पर भी लगा सकते हो. मैं अपने पूरे बालों पर खाली एलोवेरा जेल लगा के और फिर अपना नॉर्मल पोनी बांध के सो जाती हूँ. ये भी काफ़ी अच्छा ओवरनाइट मास्क का काम करता है, बालों को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है. एलो टी ट्री वाली रेमेडी तो मैं डैंड्रफ वाले दिन पर यूज़ करती हूँ और आजकल मुझे इतना डैंड्रफ का इशू नहीं होता. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना तो ड्राई वाला डैंड्रफ मुझे नहीं होता, बट जो आजकल हेयर फॉल हो रहा है
पर जो मैं मेन प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो है ये प्लम का जिनसिंग फॉल रेस्क्यू स्कैल्प सीरम। एकदम परफेक्ट टाइम पे मुझे रिसीव हुआ था जब मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल थी। लिटरली मैंने ये आते ही स्टार्ट कर दिया था यूज करना एंड आई रियली लाइक इट। आई थिंक इसके बाद ही मैंने थोड़ा बहुत फर्क देखना शुरू किया अपने हेयर फॉल के अंदर। सो ये बेसिकली क्या है, ये स्कैल्प एक सीरम है और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज स्कैल्प के अंदर ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स ना जाए तो अच्छा होगा। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ऐसे नॉजल है, आप इसको यहाँ से ट्विस्ट करोगे यहाँ से प्रोडक्ट निकलना शुरू होगा। मेक श्योर उसको पूरा ट्विस्ट मत करना बिकॉज वो बहुत ही बिल्कुल पानी है, एकदम लिक्विड है और आप ऐसे अगर करो ना तो लिक्विड यहाँ से पूरा ड्रिप हो जाता है। फर्स्ट डे मेरा काफी ज्यादा वेस्ट हुआ था सो इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। सो ये बेसिकली क्या है, हेयर फॉल के लिए इन्होंने बनाया है, आपके स्कैल्प का एक ओवरनाइट सीरम है। मैं इसको रात को लगा लेती हूँ, उसमें लिखा भी हुआ है कि आप एम पीएम कभी भी यूज कर सकते हो। 7 to 10 ड्रॉप्स आपको स्कैल्प के ऊपर लगानी है, पूरा अच्छे से फिर मसाज करनी है। अगर बात की जाए इसके इंग्रेडिएंट्स की, ये 7 फ्री फॉर्मूला है, मतलब इसके अंदर अल्कोहल, पैराबेन, प्रोपीलीन ग्लाइकोल, जिंक, थैलेट, सल्फेट, सिलिकॉन ये नहीं है इसके अंदर। ओवरऑल जो मैं मेन इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकती हूँ इसकी पैकेजिंग पे, आई कैन रीड वाटर क्रेस जो बेसिकली रिच सोर्स होता है जिंक और सल्फर का जो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। हिबिस्कस है, ब्रिंगराज है इसके अंदर, जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है जो अगेन हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, एट द सेम टाइम हेयर ग्रोथ पर भी फोकस करते हैं। सो ओवरऑल ये काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। द ओनली थिंग इज द प्राइस पॉइंट, 650 के हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी मुझे कम लगी बिकॉज ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। मैंने 3 या 4 बार अभी तक यूज किया है और यहाँ तक ये आ चुका है। सो क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा प्राइसी है, बट अगर आप अच्छे हेयर केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर इस पर कोई डिस्काउंट आया प्लम की वेबसाइट पर, प्लस मेरा कोड भी डिस्काउंट के ऊपर लग जाता है Kashika15, तो डेफिनेटली काफी अफोर्डेबल हो जाएगा। सो तब आप इसको जरूर ट्राई करना। माय नेक्स्ट फेवरेट प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन हैज टू बी दिस वन हियर, जूसी केमिस्ट्री का साचा इंची आर्गन एंड मैंगो बटर ऑर्गेनिक हेयर मास्क। और ये बेसिकली प्री शैम्पू हेयर मास्क है फॉर ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। ये बेसिकली ऑयली फील होता है, इसके अंदर मिक्स ऑफ काफी सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं जो आपके स्कैल्प के लिए काफी अच्छे होते हैं। बालों पर भी आप इसको लगा सकते हो। सो इसको मैं लगाती हूँ शैम्पू से 1 या 2 घंटा पहले, मैं इसको ओवरनाइट नहीं लगाती बिकॉज इस पर भी यही लिखा हुआ है कि प्री शैम्पू हेयर मास्क है ये। द ओनली थिंग इज द पैकेजिंग बिकॉज पंप इसका काम नहीं करता है, जो ऑयल्स है ना वो सॉलिडिफाई हो गए हैं और ये कोकोनट ऑयल वाला सीन नहीं है कि गर्मियों में मेल्ट हो जाएगा, ये अभी भी सॉलिडिफाइड है। सो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं ऐसे करके डायरेक्टली ऐसे निकालती हूँ। यू कैन सी कुछ इस तरह से लिखता है, बेसिकली बिल्कुल जैसे कोकोनट ऑयल सॉलिडिफाई हो जाता है ना, इसका टेक्स्चर बिल्कुल वैसा ही फील होता है, लेकिन इसके अंदर काफी अच्छे ऑयल्स हैं। कोकोनट ऑयल है इसके अंदर, देन इसके अंदर आर्गन ऑयल है, देन इसके अंदर साचा इंची सीड ऑयल है, देन होबा ऑयल है, कैस्टर ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, शिया बटर, मैंगो बटर, विटामिन ई, लैवेंडर, रोजमेरी, पेपरमिंट, जर्मन कैमोमाइल, मतलब सारे ऑयल्स के एकदम भंडार है। इसको आप जब लगाते हो ना आपको स्पा वाली फील आती है। यू कैन डेफिनेटली यूज इट एज अ हॉट ऑयल मसाज एज वेल, जैसा कि इन्होंने कहा था कि आप इसको मेल्ट कर सकते हो, आप इसको गर्म पानी में रखोगे प्रोडक्ट मेल्ट हो जाएगा, फिर आप इसको पंप में लेके रख सकते हो या फिर आप इसको हल्का सा माइक्रोवेव भी करोगे तो चल जाएगा बिकॉज कांच की बॉटल है। एंड थोड़ा सा लिया अच्छे से हॉट ऑयल मसाज के अपने बालों को। काफी बार क्या होता है ना, हमें मेंटल स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता है, हम बंच ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लेकिन हेयर फॉल बंद नहीं होता। क्यों? दिमाग के अंदर टेंशन है और बाहर से कुछ भी यूज कर लो, अगर अंदर की टेंशन ठीक नहीं करोगे ना तो काम नहीं चलेगा। सो प्लीज ओवर थिंक करना बंद कर दो, थोड़ा खुश रहा करो, आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए आपके बालों के लिए वो अच्छा नहीं होता। सो जब ऐसे ऑयल्स आप अच्छे से मसाज करते हो ना, गर्म हॉट ऑयल मसाज अपने बालों को देते हो, आपके बालों को भी अच्छा फील होता है, रिजुविनेशन वाली फील आती है। इसीलिए लोग स्पा करवाते हैं ताकि थोड़ा सा वो रिलैक्स फील हो। सो घर में ही अपना स्पा कर लिया करो, खुद को इतनी अच्छी धीरे धीरे मसाज दो ना कि वो एक्यूप्रेशर भी कहीं ना कहीं आपके बालों के हेयर ग्रोथ पर बहुत अच्छे से फोकस करे। सो ये मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट है, लविंग इट। माय लास्ट फेवरेट प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन जो मैं तभी करती हूँ जिस दिन कोई स्पेशल ओकेजन होता है या फिर मुझे लगता है मुझे अपने बालों को पैम्पर करना है, मेरे पास आज टाइम है, मैं अच्छे से अपने बालों का ध्यान रखना चाहती हूँ। सो उस दिन मैं बनाती हूँ अपना DIY हेयर मास्क, एकदम अमेजिंग है। जितने भी टीनेजर ऑडियंस मेरी देख रही है जिनको इन प्रोडक्ट्स पे पैसे नहीं स्पेंड करने, आप ये मास्क जरूर बना के ट्राई करना। सो व्हाट आई डू, आई यूज खट्टी दही, लाइक जो दही ऐसी अजीब सी हो जाती है ना, फिर वो कुछ काम की नहीं होती, यूजली हम घर में फेंक देते हैं, उसको मत फेंका करो, वो बहुत अच्छी होती है। सो मेरे घर में जब भी दही ऐसी खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है, मैं उसको अपने बालों पर लगा लेती हूँ। ये सबसे बेस्ट एंटी डैंड्रफ सोर्स होता है बेसिकली, अगर आपको कोई भी डैंड्रफ के इशू है ना, खट्टी दही लगा कर देखना, बेस्ट वो वर्क करेगी। सो वो कर्ली जो खट्टी हो गई थी उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाला। अब मैं रेगुलर बेसिस पे मास्क नहीं यूज करती तो लेमन इतना कोई इफेक्ट नहीं करता, हल्का सा लेमन डालती हूँ मैं उसके अंदर। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके अगेन हमारे बालों पर जो भी डैंड्रफ इशू होता है ना, इसको किल करने में काफी हेल्प करते हैं। अगर आपको डैंड्रफ एंड ऑल नहीं है तो आप लेमन स्किप कर सकते हो, आपने वो दही ली उसके अंदर आप कोई भी अपना फेवरेट ऑयल डाल सकते हो। हर ऑयल का ना एक रोल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए मेरे बाल आज शाइनी लगने चाहिए तो मैं फिगेरो का ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ, इससे बाल काफी अच्छे से शाइनी लगते हैं। अगर आप हेयर फॉल पर फोकस कर रहे हो, आप
आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप चाहते हो आपके बालों में वापस वो वॉल्यूम आए, तो आप कैस्टर ऑयल डाल सकते हो। मेरा फेवरेट है अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल, मुझे वो काफी अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा उस मास्क के अंदर डाल देती हूँ। अगर आप खाली कैस्टर ऑयल अपने बालों का यूज करोगे ना, वो इतना ज्यादा थिक होता है ना, बहुत आपके स्कैल्प ना ऐसे कंजेस्टेड फील कराएगा। आप कितनी बार भी शैम्पू कर लो वो उतरेगा नहीं। सो इस मास्क के अंदर जो मैं कैस्टर ऑयल डालती हूँ ना, ये बेटर रहता है, अच्छे से कंकॉक्शन बन जाता है, मेरे बालों को कंजेस्टेड फील नहीं कराता। आप इसके अंदर आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर भी डाल सकते हो, मार्केट में इजिली आपको मिलता है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी जो अमेजोन पे अवेलेबल है। ये हमारे बालों को ब्लैक रखने में काफी हेल्प करता है। अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग होना शुरू हो गया ना, तो आप ये जरूर इसके अंदर डालना। ये हमारे बालों को काला अच्छे से बनाकर रखते हैं। इसके अंदर मेहंदी नहीं है बाय द वे, मैं कोई भी हीना बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करती, खाली आंवला रीठा शिकाकाई का मिक्स आता है, नीचे लिंक कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये कंकॉक्शन बना के भी मैं अपने बालों पे अच्छे से लगाती हूँ। शैम्पू से 3 या 4 घंटे पहले इसको अच्छे से स्कैल्प पे लगाया, बालों पर लगाया, और फिर एक बन बना के अपना शार कैप पहन के उसको छोड़ दो। 2 या 3 घंटे बाद जब शैम्पू करोगे ना, मास्क इजीली रिमूव भी हो जाता है। ये एक तरह से प्री शैम्पू हेयर मास्क का काम करता है, सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है। सो वी आर डन विद प्री शैम्पू हेयर के रूटीन। अब आ जाते हैं शैम्पू मैं कौन सा यूज करती हूँ। सो जो मुझे ऑलरेडी अभी फॉलो करता है, ध्यान से मेरी वीडियोस को देखता होगा, उनको ऑलरेडी पता है आई एम लविंग नायका के शैम्पूज। ये मेरी सेकंड बॉटल चल रही है, इनका सेकंड वेरियंट बेसिकली। इनका जो फर्स्ट वेरियंट था अनियन फेनुग्रीक वाला पर्पल कलर का, मैंने पूरा खत्म कर दिया है, आई लव्ड इट। अभी मैं सेकंड वाला यूज कर रही हूँ, ये आंवला एंड करी लीव्स का शैम्पू बेसिकली। थोड़ा सा लेती हूँ, बहुत अच्छे से फोम होता है, अच्छे से बालों को क्लीन कर देता है। बाय द वे इट इज पैराबेन फ्री, SLS, ESP, cruelty free, 100% natural actives, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अब दोनों मुझे ऐसे से ना इतना कोई फर्क पता नहीं चला, उसकी फ्रेग्रेंस ओके थी, इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओवर पावरिंग नहीं है, थोड़ी सी है, प्लीजिंग है, अच्छी फील होती है, बट ये हल्का सा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा फोम बनाता है ना, बालों को इतने अच्छे से क्लीन कर देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मेरे बालों को ड्राई आउट नहीं करता। मेरे जो मेजर शैम्पू जो मैंने थ्रो किए हैं या फिर ऐसे इधर उधर किसी को दे दिए हैं, बिकॉज वो मेरे बालों को ना सुखा देते हैं, लाइक अजीब सा ड्राई कर देते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपने शैम्पू के अंदर भी एक अच्छा नरिशमेंट इफेक्ट पसंद है। सो नंबर वन मेरा फेवरेट यही होने वाला है। माय सेकंड फेवरेट हैज टू बी बायोलाश का स्मूथ प्रूफ, और इसका स्टिकर निकल चुका है बिकॉज वॉशरूम के अंदर लेबल्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सो इसका मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी किया था, जो स्पॉन्सर्ड रिव्यू था बायोलाश का सीरम शैम्पू एंड कंडीशनर, उसमें से मुझे ये शैम्पू और सीरम काफी ज्यादा पसंद आया। ये स्पेसिफिकली जो स्मूथ प्रूफ रेंज है ना, ये सबसे अच्छी है जिनके बाल भी बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्रिजी अजीब से रहते हैं, बिकॉज इसको लगाने के बाद ना बाल ड्राई नहीं होते। आपको लाइक एक लेयर ऑफ हल्का सा एक ऑयलीनेस नहीं बोलूंगी, लेकिन नरिशमेंट टाइप फील होती है, लाइक इसके अंदर कुछ है जो मेरे बालों को नरिश रखता है। आप लिटरली इस शैम्पू के बाद कंडीशनर कभी कभी स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज ये बालों को स्मूथ बनाने के लिए इनफ है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अच्छे से मास्किंग करना अपने बालों के लिए। दीज टू आर द शैम्पूज दैट आई रीच आउट द मोस्ट। मेरे वॉशरूम में काफी सारे शैम्पूज अभी रखे हुए हैं जो वैसे रिव्यू के लिए आते हैं, टेस्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये दो शैम्पूज सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ। ये तो ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है, क्वांटिटी वाइज ये काफी लंबा चलेगा आपको। बाय द वे ये भी अच्छा चल जाता है, बिकॉज ये थोड़ा सा काफी ज्यादा फोम बनाया था ना, तो इतना सा ट्यूब भी ना काफी लंबी चलती है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं दोनों को ही वर्थ इट बोलूंगी। शैम्पू के बाद स्टेप आता है कंडीशनर स्लैश हेयर मास्क, बट पर्सनली मैं आजकल हेयर मास्क ज्यादा यूज करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर वीडियो भी बनाई थी बेस्ट हेयर मास्क अवेलेबल इन इंडिया, मैंने उसमें सारे जो मेजर हेयर मास्क मैंने ट्राई किए थे, मैंने सारे रिव्यू किए थे, उसी में से एक मैं अभी तक यूज कर रही हूँ। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको और वैरायटी देखनी हो, आप इसके अलावा भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो। बट मेरा जो आजकल मोस्ट यूज्ड हेयर मास्क है ना, वो है ये प्लम का ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क। दिस इज फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर एज वेल, ऑल्दो मैंने कोई भी तरह की केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराई हुई, मैंने कोई कलर स्मूथनिंग केराटिन कुछ नहीं करवाया हुआ फिलहाल, बट फिर भी मुझे काफी अच्छे सूट करता है। एकदम मेगा मॉइस्चराइजिंग इसका नाम है, और ये एक्चुअल में हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। थोड़ा सा चाहिए होता है ज्यादा भर के मैं मास्क नहीं लगाती। मास्किंग का मतलब ये नहीं है एकदम भर के इतना लगा लो, बिकॉज मैं डेली क्या जितनी बार शैम्पू करती हूँ उतनी बार ही हेयर मास्क यूज करती हूँ, तो मैं एक्सट्रीम वे में नहीं लगाती हूँ। थोड़ा सा अपने हाथ पर लिया, अच्छे से इसको ऐसे पूरा वो करना, फैला लेना अच्छे से, मसाज करके थोड़ा वार्म अप भी हो जाता है, और फिर इसको बालों पर मसाज करना। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई, जब आप शैम्पू करते हो ना, थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर से स्टार्ट किया करो, एकदम ठंडा पानी में डाला करो। ल्यूकवॉर्म वाटर से क्या होता है, आपके स्कैल्प का ना कहीं एकदम खुल जाता है, सो ज्यादा अच्छे से आपकी स्कैल्प क्लीन आउट होती है, जो भी ऑयल ग्रीसीनेस होती है ना, वो हल्की से ल्यूकवॉर्म वाटर से बेटर जाती है।
एकदम ठंडा ही लेना, एकदम गर्म नहीं लेना, ये दोनों टेम्परेचर आपके बालों के लिए अच्छे नहीं होते। सो ल्यूकवॉर्म वाटर से आप स्टार्ट कर सकते हो। शैम्पू करने के बाद जो भी एक्सेस वाटर होता है मैं उसको एकदम स्क्वीज आउट कर देती हूँ, जितना निकाल सकती हूँ मैं वो निकाल देती हूँ। फिर ऐसे बालों को अलग अलग करके फिर मैं उसके ऊपर ये मास्क लगाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मोटे मोटे स्ट्रैंड्स लेके इसको अच्छे से मसाज करती हूँ और जो बाकी बचा कुचा होता है उसको मैं फ्रंट एरिया में ऐसे लगा के एक बन टाइप बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना बिकॉज एकदम गीले बालों में टाइट बन बनाना अच्छा नहीं होता। बन मैं इसलिए बनाती हूँ बिकॉज मैं इस मास्क को लगा कर रखती हूँ, मैं इसको एकदम लगाती नहीं हटाती। कोई भी आप हेयर मास्क यूज़ करो ना, मेक श्योर उसको लगाते ही हटाओ मत, बिकॉज उसका जो मेन यूज़ है ना वो नहीं जस्टिफाई हो पाएगा। थोड़ी देर तक उसको रखा करो, एक बन बना के रखो, इतनी देर शैम्पू बॉडी वॉश कर लो, शेविंग कर लो, पेडिक्योर मैनिक्योर फुट स्क्रबिंग जो भी करना है बहुत कुछ होता है, या फिर इसके बैठ के लेबल्स भी पढ़ सकते हो आप, जो भी करना है कर लो, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 minutes उस मास्क को अपने बालों के ऊपर लगे रहने दो, तभी वो अच्छे से वर्क करता है। सो उसके बाद 3-4 minutes के बाद ये जितना टाइम मैं रखना चाहती हूँ फिर मैं रिंस ऑफ कर देती हूँ। और रिंस ऑफ करते टाइम जो लास्ट रिंस होता है ना वो मैं कोशिश करती हूँ, या फिर लास्ट रिंस माने जो आप कंडीशनर अपना या हेयर मास्क हटाते हो उसको हल्के से ठंडे पानी से हटाया करो। मैंने फैक्ट भी पढ़ा था और ये मैंने खुद भी देखा है, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ल्यूकवॉर्म वाटर से कंडीशनर रिमूव करते हो ना तो कंडीशनर का वो जो कंडीशनिंग इफेक्ट होता है ना वो भी चला जाता है। सो वो एक्चुअल में आपके बालों के ऊपर कुछ छोड़ के नहीं जाता है। सो अगर आपको चाहिए कंडीशनर आपके बालों को एकदम वो स्मूथ वाला इफेक्ट दे, सो हल्के से ठंडे पानी से इसको निकाला करो, आपका बाल अच्छे से क्लीन आउट भी हो जाता है। बिकॉज स्कैल्प पर तो हम इसको लगाते नहीं है तो स्कैल्प से ऐसा कुछ क्लीन आउट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बालों को जब वॉश करोगे हल्के से ठंडे पानी से रिमूव करना अच्छे से रिमूव भी हो जाता है, बालों को स्मूथ भी बनाता है। सो ये तो हो गया मेरा करंट फेवरेट हेयर मास्क, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो अगर आपको और वैरायटी देखनी हो। लेकिन कभी कभी जब मैं बहुत जल्दी में होती है ना, लाइक कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही है, तो मैं ये वाला कंडीशनर यूज़ कर लेती हूँ। ये सेम अनियन फेनुग्रीक रेंज का कंडीशनर, नॉट सेम वो न्यू वाली रेंज है, जो आंवला करी लीव्स वाली रेंज है ना ग्रीन वाली, ये मेरी पुरानी रेंज वाली कंडीशनर है। उसका शैम्पू एज यूजुअल शैम्पू खत्म हो जाता है, कंडीशनर 2-3 साल तक चलता है। तो ये उसी रेंज का कंडीशनर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा स्मूदनिंग इफेक्ट देता है, बेसिक एक कंडीशनिंग का जॉब कर लेता है। बट एज आई सेड आजकल मास्क अगर यूज़ करना स्टार्ट कर दो ना तो कंडीशनर इतने ज़्यादा आपको कंडीशनिंग नहीं लगते, बट द चॉइस इज योर्स। एंड वी आर डन विद शैम्पू कंडीशनर मास्किंग, हमें जो करना होता है हम ना लिए बेसिकली। अब हम इसके बाद सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, एक टावल लेते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन आउट करते हैं ना, उसी गीले टावल से अपने बालों को ना फिर ड्राई करना शुरू कर देते हैं। पहली बात, जो बॉडी का टावल होता है उसका माइक्रो फाइबर नहीं होता, वो उसके फाइबर्स काफी बड़े होते हैं जो अपने बालों के लिए अच्छे नहीं होते, आपके बालों को फ्रिजी बना सकते हैं। अगर आपके बाल में फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा है ना तो मेजर रीजन वही आपका टॉवल है। सो उसको मैं नहीं यूज करती, इंस्टेड आई यूज माइक्रो फाइबर हेयर टॉवल। ये रिसेंटली नायका ने लॉन्च कर दिया अपने, ये मुझे काफी अच्छे लगे, अच्छी ब्रांड से आते हैं तो आप ले सकते हो। अमेजोन पर बहुत सारे आपको माइक्रो फाइबर हेयर टॉवल मिलेंगे, बट मेक श्योर अच्छे से रिव्यूज पढ़ लेना, बिकॉज काफी बार वो नॉर्मल बॉडी टॉवल का ही ऐसा वाला टॉवल बना देते हैं और फिर उसको माइक्रो फाइबर कह के बेचते हैं। ये हाउएवर नायका का जो है एक्चुअल में माइक्रो फाइबर है, लाइक आई कैन एक्चुअली शो यू, आपको दिख रहा है, ये वो रेगुलर टॉवल वाला फाइबर नहीं, ये काफी एकदम पतला पतला सा है। सो ये काफी अच्छा होता है आपके बालों के लिए, एक तो बाल आपके जल्दी सूखते हैं, एक तो इजी काफी होता है, मतलब टर्बन की तरह होता है। हाउ टू यूज दिस, आपको फ्रंट में बेंड होना है, इसको ऐसे पहना, नीचे से ऐसे ट्विस्ट किया जो आपके बाल होंगे अंदर, और यहाँ पे एक लूप दिया हुआ, उस लूप को यहाँ पर आपने कर दिया बंद। सो इसको आप ऐसे ही रखो, आप इतने कोई काम भी कर सकते हो, इजी रहता है, आप अपने कोई भी इजीली कोई भी काम कर सकते हो, बाल आपके ऊपर नहीं आते, तब तक ये आपके बालों को एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से, उसको ऑलमोस्ट सेमी ड्राई कहने की बना देगा। और इसको हटाने के बाद आप खुद देखोगे आपके बाल में फ्रिजीनेस कम से कम होगी। सो इन सारे फैक्टर्स में एकदम बेस्ट रहता है माइक्रो फाइबर हेयर टॉवल। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है प्लीज़ इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज ये लंबा भी चलता है, एट द सेम टाइम काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट होता है फॉर योर हेयर केयर। तो इस टॉवल को हटाने के बाद ना हमारे बाल हल्के से डैम्प होते हैं और ये एकदम सही टाइम होता है अपना सीरम लगाने का। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो एकदम सूखे ड्राई बालों में ना सीरम लगाते हैं और फिर वो कहते हैं हमारे बाल तो बड़े ऑयली हो गए, इससे एकदम चिपचिप लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। बिकॉज आप एकदम सूखे बालों में सीरम लगाओगे ना तो आपके बालों को वो तेल वाली लुक देगा और वो हमें नहीं चाहिए। ये सीरम है, इसका काम है आपके बालों को शाइनी बनाना, डीटैंगल करना। तो इसको तब लगाया करो जब ये टॉवल हटाती है आपके बाल हल्के से डैम्प होना। मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अब मैं इसको कैसे लगाती हूँ, सीरम को लिया अपने हाथ के ऊपर डाला जितना आप लेना चाहते हो अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से, खाली इतने एरिया में सीरम लगता है बाय द वे। अच्छे से ऐसे मसाज किया एंड आई डू दिस एज वेल, ऐसे भी करती हूँ ताकि वो जो सीरम है ना वो मेरे फिंगर्स के बीच बीच में ऐसे ऐसे आ जाए। और फिर मैं होती हूँ फ्रंट में बेंड और ऐसे कॉम्बिंग वे में ऐसे अपने बालों को
सीरम को अप्लाई करती हूँ ताकि वो जो यहाँ बीच बीच में सीरम लगा है वो अच्छे से मेरे बालों में कॉम्बिंग वे में लग जाए। बालों की बाहर की साइड नहीं ऐसे लगाती हूँ मैं, बिकॉज इससे ना वो एक ग्रीसी आई लुक आती है। अगर आप सीरम ऐसे लोगे और ऐसे ऐसे लगाना शुरू कर दोगे ना, आपके बालों पर यहाँ पे एक तेल जैसी लेयर कहीं ना कहीं फील होगी जो हमें नहीं चाहिए। सो मैं कॉम्बिंग वे में लगाती हूँ। सीरम अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ऐसा वाइड टूथ कॉम्ब। बेसिकली वाइड टूथ माने इनका जो गैप होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, ये रेगुलर वाला कॉम्ब नहीं है, बिकॉज उस टाइम बाल हल्के से डैम्प होते हैं। आप बहुत कम वाइडनेस वाला अगर कॉम्ब लोगे ना तो वो अच्छा नहीं होगा, आपके बाल और ज़्यादा झड़ेंगे उससे। एंड येस, मैं अपने डैम्प बालों को कॉम्ब करती हूँ बिकॉज मुझे तब ज़्यादा अच्छा फील होता है। सीरम लगाने के बाद ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट कॉम्ब कर दो ना तो एक तो बाल सूखते भी एकदम स्ट्रेट हैं, ज़्यादा वेवी नहीं होते, फ्रिजीनेस कम से कम होती है। और अब जब सर्दी आएंगी ना तो मैं लिटरली ऐसे करते करते धूप में खड़ी रहती हूँ और मेरे बाल नेचुरली एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। नीम वुड कॉम्ब है बाय द वे, ये हेल्दी आइडियाज का, ये आपको खादी के स्टोर में मिल जाएगा या फिर आप अमेजोन से ले सकते हो। अमेजोन पे इनके सेट मिलते हैं, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। सो नीम वुड जो होती है, इसका जो कॉम्ब होता है ये बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, एंटी फंगल होता है, इससे मसाज करना काफी अच्छा होता है। अगर आप खाली बैठे हो, आपने ऑयलिंग करी है एक दिन पहले, तो इससे ऐसे मसाज करोगे ना तो आपके बालों के लिए काफी अच्छा होता है, आपके बालों को कहीं ना कहीं एक अच्छी मसाज मिलती है। आप खुद देखना, अगर आप प्लास्टिक का कॉम्ब यूज करोगे आपके फ्रिजीनेस नहीं जाएगी, लेकिन जैसे आप वुड का कॉम्ब यूज करोगे ना, एक स्टैटिक जो हम बच्चों ने साइंस में पढ़ते थे वही ये रूल है, वुड के कॉम्ब यूज करने से फ्रिजीनेस कम से कम होती है। सो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज इट फॉर माय हेयर केयर रूटीन। लेकिन इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कोशिश किया करो जब भी आप शैम्पू कंडीशनर जो भी अपना हेयर वॉश करते हो आगे बेंड होके किया करो। मैं हमेशा आगे बेंड होके अपना हेयर वॉश करती हूँ, उससे क्या होता है जो भी डस्ट रेसिड्यू जो भी गंक होता है सबसे पहले आपकी बैक पर नहीं जाता। अगर आप ऐसे खड़े होकर शैम्पू करोगे ना आपके सारा बैक पर चला जाएगा और आपको बैक एक्ने दे सकता है। सो वो मत किया करो, फ्रंट पे बेंड होके करोगे ना तो ग्रेविटी की वजह से अच्छा रहता है, सारा वो गंक एकदम नीचे निकल जाता है। सेकंड, अगर आप कोई भी तरह की स्टाइलिंग कर रहे हो, आपको किसी पार्टी में जाना है, इवेंट में जाना है, तो प्लीज पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लो। मैं इतना ज्यादा नहीं यूज करती हूँ तो मैंने नहीं लिया हुआ, अब मैंने ऑर्डर कर दिया है बिकॉज अब जो अपकमिंग वेडिंग सीजन आएगा मैं खुद बहुत सारी स्टाइलिंग करने वाली हूँ। मैं आप एक फोटो डाल दूंगी मैंने जो ऑर्डर किया है। लेकिन एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी को स्प्रे करके फिर कोई भी तरह की प्रेसिंग टोंग्स कर्लिंग जो करनी है आप इजिली कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज, अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हो तो प्लीज ऐसा हेयर ड्रायर लो जिसमें हॉट एंड कोल्ड का ऑप्शन हो। मैंने जो हेयर ड्रायर लिया हुआ नायका से, मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने उस टाइम डेडिकेटेड रिव्यू भी किया था, वो रिव्यू भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगी अगर मुझे मिलेगा तो। उसमें दोनों ऑप्शन है हॉट एयर एंड कोल्ड एयर के, तो अगर आप कोशिश करो गर्मियों में कोल्ड एयर वाला मोड यूज करो, ज्यादा गर्म वाली जो मोड होता है ना जो नॉर्मल रेगुलर हेयर ड्रायर में कंपलसरी होता है, उससे आपके बालों का झड़ना और ज्यादा बढ़ सकता है और ज्यादा आपको हेयर फॉल दे सकता है। सो कोल्ड मोड पे ही अपने बालों को ड्राई आउट किया करो, ज्यादा वो सेफ रहता है आपके बालों के लिए। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप स्कूटी चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, आप ओपन ऑटो रिक्शाज में जा रहे हो, एक बंदाना या फिर स्कार्फ कैरी करो जिससे अपने बालों को ढको, एकदम जो डस्ट वाली हवा आ रही हो उसमें आप एकदम जुल्फे लहरा के चले गए हो, अच्छा नहीं होता। सारी डस्ट एंड ऑल आपके बालों में तो जाएगी जाएगी, एट द सेम टाइम आपके बाल बहुत ज्यादा उलझेंगे, फिर उससे फटेंगे भी, तो ये भी काफी बड़ा रीजन होता है आपके हेयर फॉल होने का। सो मेक श्योर आप अपने बालों को हमेशा उस सेंस में कवर्ड रखो। तो ये था भर भर के कशी का ज्ञान ऑन एंटी हेयर फॉल हेयर केयर रूटीन। आई वॉन्ट इवन कॉल इट एंटी हेयर फॉल, मैंने डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ सब कुछ कवर कर दिया, एट द सेम टाइम आपको अच्छे अच्छे ज्ञान भी दिए अपने बालों का ध्यान रखने के। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स और कोई भी अगर डिस्काउंट कोड होगा किसी वेबसाइट के साथ तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो वो भी चेक कर लेना। आई होप यू फाइंड इट वेरी वेरी इंफॉर्मेशनल। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं जिससे आपके हेयर फॉल पे फर्क पड़ा हो, आपने खुद एक ड्रास्टिक चेंज देखा हो अपने बालों के ऊपर, तो वो भी मुझे जरूर बताना बिकॉज मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं ट्राई कर सकती। अगर आपने कुछ ऐसा किया हो तो वो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। मैं छोटे छोटे रिव्यूज अपनी स्टोरीज पर करती रहती हूँ, सो मेरी स्टोरीज हमेशा चेकआउट करते रहना। And I'll see you next time. Bye.